नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर 2:30 से 3 बजे और यहाँ पर जितना भी बक्से पर सामान है ना, इसको मैं सेट कर रही हूँ। सारा सामान इसलिए फैला पड़ा है क्योंकि मेरी आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब नाक के पास में, तो इस वजह से मैं अपना जो भी काम था ना वो नहीं कर पा रही थी। 2 दिन से मैंने शॉप भी नहीं ओपन की थी और मैंने अपना जो सिलाई का काम था ना वो भी नहीं किया, तो यहाँ पर मैं सामान को थोड़ा सा सेट कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बताऊँ हैवी साइज में। तो ये देखिए, ये ब्लाउज जो है ये मैंने स्टिच किया था कल ही, लेकिन इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। रीज़न क्या हुआ कि मेरे यहाँ पर नाक में थोड़ा सा पता नहीं किसी कीड़े ने काट लिया, क्या हो गया आप देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है, और इस वजह से मेरी आंखों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने न्यू चश्मा लगाया है, वाला जो रेगुलर चश्मा था उसको लगाने में दिक्कत हो रही थी, ये देखिए ये वाला, तो ये मैंने नहीं लगाया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस ब्लाउज़ की जो है कटिंग जो है मैंने कैसे की। इसको तो मैंने सिंपल ही बना दिया है, बॉर्डर वाले जो हमारे कॉटन के ब्लाउज होते हैं ये वही वाला है, देखिए कुछ इस तरह से, और हैवी साइज़ में है ये ब्लाउज़, ये देखिए। और इसके साथ ये मेज़रमेंट वाला ब्लाउज़ है, ये भी मैंने ही स्टिच किया था कस्टमर का, तो सेम इसी ही फिटिंग का उनको चाहिए था बिल्कुल, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको बना के तैयार किया है। इसके साथ साथ ये ब्लाउज़ है, देखिए बॉर्डर वाला, और ये 1 मीटर का फैब्रिक है। तो यह देखिए मुझे डायरी मिल चुकी है, और इसमें जो चेस्ट होगी इसकी 45 इंची है, कमर हमारी 35.5 इंची है, लंबाई 15 इंची है, आस्तीन की लंबाई 5 इंची है, और मोहरी हमारी 7 इंची की है। गला सामने का 5.5 है, पीछे का 3.5 है, आर्म होल हमारा यहाँ पर 12 इंची का है पूरा। तो टोटल हम इसको देखते हैं कैसे हमें बनाना है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है सिंपल और ही कॉटन में ही है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, और देखिए 2-2 इंची टेप आ गए मेरे पास। और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा काम जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया फ्रेंड्स, और आपके साथ ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसके लिए सॉरी बोलूँगी। ये देखिए, और ये जो ब्लाउज है हमारा, देखिए दोनों साइड से इसमें बॉर्डर है, देखिए इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी। तो सबसे पहले हमें जो निकालना होता है ना वो हम बैक पार्ट निकालेंगे इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी साइज है, लंबाई भी इसमें ज़्यादा है, तो इसकी अर्ज ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें जो हमारा ये बॉर्डर है ये थोड़ा सा इस तरह की इसमें बोटियाँ दे रखी है, देखिए इस साइड में, लेकिन जो हमारा फ्रंट पार्ट निकलेगा वो हमारा इस साइड से नहीं निकलेगा, ऐसे करके निकालेंगे। तो ये बात मैंने कस्टमर को पहले ही बता दी है। तो जब भी आप कपड़े लेना और इस तरह के कपड़े कोई आए जिसकी अर्ज कम हो और हैवी साइज में हो, तो कपड़े को आप पहले से ही चेक कर लेना। तो देखिए कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर मैं इसको डबल में ही इस तरह से रख ले रही हूँ, जैसे कि जो इधर का कपड़ा बचेगा ना वो हम स्लीव में हमें जॉइंट लगाना होगा तो हम लगा सकते हैं। वैसे तो हम उसका फोर्थ पार्ट लेते हैं डबल में करके, तो देखिए 45 है, तो हम देख लेते हैं 11 चौक 44, 11.25 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 1.5 इंची या 1.25 इंची आप मार्जिन ले सकते हैं, तो मैंने इतना ले लिया, तो टोटल हमारा 12.25 हो गया। अब पीछे की जो हमारी किनारी है तो यहाँ पर इतना ही हमने फोल्ड करना होता है, इसके बाद में हम टोटल लंबाई ले लेंगे। तो देखिए टोटल लंबाई हमारी तैयार है इसमें 15 इंची, पीछे का तो हमारा फोल्ड का हो गया, इसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होगा, लेकिन यहाँ से चाहिए होगा तो 0.5 इंची हमने यहाँ से ले लिया। टोटल हमारी लंबाई कितनी हो गई 16 इंची। और अब देखिए इसको इस तरह से रख लेंगे, तो यहाँ पर जो हम ये लेंगे तीरा लेंगे वो 6 इंची लेंगे, देखिए, और इसके बाद में 6 इंची ही हम आर्म होल ले लेंगे, क्योंकि ये हैवी साइज है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए। अगर गला बड़ा होता तो हम यहाँ पर कम कर सकते थे, लेकिन बड़ा नहीं है गला, हमारे पीछे का छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको 6 इंची ले रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर हम लगभग 1.25 से 1.5 इंची के बीच में इस तरह से शेप दे देंगे आर्म होल का, चेस्ट का यहाँ पर फोर्थ पार्ट आ जाएगा, 1 से 1.25 इंची तक, 1.25 से 1.5 इंची तक आप मार्जिन ले सकते हैं। गला पीछे का हमारा है 3.5 इंची चौड़ाई में, यहाँ पर ले रही हूँ गले की 2.75 इंची, आप 3 इंची भी ले सकते हैं। और जब गला हमारा तैयार है पीछे का 3.5, तो 0.5 इंची प्लस करके लेंगे, यानी कि 4 इंची। यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग कर देंगे। आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है,
आँख में दर्द और जलन ज़्यादा हो रहा है कुछ मुझे। और ये वही कैंची है जिसमें मैंने आपको नेल पॉलिश से कैंची पे धार लगाने बताई थी, तो देखिए वही कैंची मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए जो भी हमारा चेस्ट साइज होता है उसका दसवां हिस्सा हम यहाँ ले लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर दसवां हिस्सा हमारा यहाँ पर सवा चार आ जाएगा। ऊपर से जो भी हमारी चेस्ट साइज होती है उसमें एक इंची प्लस करके लेते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। तो चेस्ट साइज हमारी यहाँ पर 11 इंची है, अभी 11 इंची में एक इंची प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन 12 नहीं लेना है, हम यहाँ पर 11.5 से 12 के बीच में ले लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से हम बैक का तो लगा ही लिया है, फ्रंट का भी लगाएंगे। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आप सभी की, लेकिन क्या करूँ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं शेयर कर पाई। अभी देखिए ये कपड़ा हमारा इतना बचा हुआ है इस कपड़े में, ये देखिए पूरा कपड़ा हमारा इतना है ये। अभी इस कपड़े में हमें फ्रंट का पार्ट भी निकालना है और हमें स्लीव भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम स्लीव को चेक कर लेते हैं कि स्लीव की लेंथ के बाद में कपड़ा हमारा बच कितना रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह से रख दिया और स्लीव की लेंथ है हमारी यहाँ पर 5 इंची, तो आधा इंची तो इधर से मुड़ जाएगा हमारा, यहीं से ले लेंगे और आधा इंची हमारे सिलाई का मार्जिन इधर जाएगा, तो 5.5 हो गया। अब इसके बाद में हम चेक करते हैं कितना है, तो लगभग आ जाएगा, लेकिन यहाँ से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया था। तो स्लीव को हमने इस तरह से देखिए 4 फोल्ड में रख लिया है कपड़े को। फोर फोल्ड में रखने के बाद में अब इस पर हम मेजरमेंट लगा लेंगे कि टोटल लंबाई हमारी आ जाएगी यहाँ पर 6 इंची की। ऊपर से 2 इंची का निशान लगाएंगे, इसका हम हाफ कर लेंगे और इसके बाद में देखिए यहाँ से हम 3 इंची का निशान लगाएंगे। हैवी साइज़ है तो आप 3.5 भी ले सकते हैं, मैंने 3 इंची लिया है। और देखिए इस तरह से यहाँ से हमें शेप डालनी है, 1/2 इंची प्लस अंदर की तरफ करते हुए निशान लगाएंगे, इसी तरह कटिंग कर देंगे। देखिए 2 पीस जो आगे के हैं वो हम इस तरह से छाट लगा लेंगे 1/2 इंची रखते हुए। कपड़ा कम ज़्यादा है इसको हम सीधा कर देंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रंट की छाट हो गई और हमारी स्लीव भी यहाँ पर कट हो चुकी है। अब ये बचा कपड़ा हमारा, अब इसमें से हमें फ्रंट का पार्ट निकालना है। ये देखिए तो सबसे पहले तो जो हमारा बैक पार्ट है इसको ले लेंगे हम और इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे बराबर मिलाते हुए। तो अगर इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो कम कपड़े में भी हमारा आसानी से हैवी साइज का ब्लाउज कट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के कपड़ों में लेंथ कम पड़ जाती है हमारी। और अब इसमें हमें 1 इंची एक्स्ट्रा लेना होता है क्योंकि बॉर्डर वाले में हमारे पीछे से 1/2 इंची चला जाता है, लेकिन जो आगे का पार्ट होता है उसमें हमें तुरपाई भी करनी होती है। अगर आपको पट्टी अटैच करनी है तो आप बराबर लीजिए पट्टी लगा के अंदर को फोल्ड कर लेना, और पट्टी नहीं लगानी है तो आप 1 इंची एक्स्ट्रा लेना। मैं पट्टी नहीं लगाती हूँ इसीलिए 1 इंची एक्स्ट्रा ले लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए अभी इसको मैं हटा दे रही हूँ। फ्रंट का गला हमारा 5.5 है तो यहाँ पर हम 6 इंची का निशान लगाएंगे, क्योंकि तैयार गला हमारा जितना होता है उसमें हमें 1/2 इंची ज़्यादा लेना होता है। और यहाँ की साइड से 1/2 इंची से 1/4 इंची अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से। और अब देखिए यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे।
देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है और अब हम इस पर अपनी मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्किंग करने के लिए यहाँ से जो भी हमारा चेस्ट साइज होगा उसका 10वां हिस्सा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा लगभग 4.25। ऊपर से लेंगे हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट, चेस्ट का फोर्थ पार्ट आ गया हमारा यहाँ पर 11.25, उसमें 1 इंची प्लस करेंगे तो 12.25 हो जाएगा। अब 12.25 तो हमें नहीं लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा, तो 11.5 से 12.25 के बीच में हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब देखिए जितनी हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, इसको हमें यहाँ पर चेक कर लेना होता है कितना है। ये देखिए तो इतनी ही दूरी हमारी यहाँ पर आ जाएगी, 2 इंच 2 पॉइंट आई है। और इसी तरह से हमें सभी तरफ की दूरी लगा लेनी है। इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे, इस लाइन को हम यहाँ मिलाएंगे, इस पे हल्का सा गैप रहेगा हमारा 1/2 इंची का। और देखिए यहाँ से 1/2 इंची का हम इधर की साइड में मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग भी हो गई है। बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी आपको कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डिटेल वीडियो वैसे मैंने शेयर कर दिया है आपको इसके साथ का। ये देखिए कट हो गया, अब ये बचा हमारा कपड़ा। तो इसमें से हमें इसमें डोरी तो लगानी नहीं है, तो हमें इसमें चाहिए होगी पाइपिंग और फिर आगे की हुक आई की पट्टियाँ। हुक आई की पट्टियाँ हम इसमें से भी निकाल सकते हैं, तो वो मैं बाद में निकाल लूँगी, या फिर हमारा ये कपड़ा बचा है इस तरह का जो बचता है इसमें से भी निकाल सकते हैं। गला ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसमें ज़्यादा पट्टी नहीं चाहिए होगी। ये देखिए हमारी पट्टियाँ भी कट हो चुकी हैं और ये हमारा कपड़ा इतना बचा। आप चाहें तो किसी और उसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए इतना कपड़ा हमारा इसमें आसानी से बच गया है ये। और अब इसमें रह गई हमारी आगे की जो पट्टियाँ हैं वो भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब इसको मैं स्टिच करूँगी और मिलती हूँ आपको स्टिचिंग करने के बाद में कि कैसा ये ब्लाउज हमारा जो है बनके तैयार हुआ है। और आपको पूरा डिटेल में मैंने इस ब्लाउज़ की पूरी कटिंग बताई है, पूरा मैंने आपको इसमें प्लीट्स डालने का तरीका बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जो कि आप लोगों के बहुत सारे से कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज़ हमारा स्टिच हो गया है, बिल्कुल फिटिंग के साथ मैंने इसको बना के तैयार किया है। और यहाँ पर एक ब्लाउज़ ये है जो कि मेरा ही ब्लाउज़ है, वन शोल्डर से मैंने इसको बनाया है। एक साइड की वन स्ट्रिप लगाई है, दूसरी साइड से बलून स्लिप लगाई है। ये थोड़ा सा अभी मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा है, अभी इसको मुझे लूज करना होगा। तो मैं इसको लूज करने से पहले इसमें साइड से जो चेन लगी है उसको निकालूंगी, जो नीचे लेस लगी है उसको निकालूंगी, उसके बाद में इसकी फिटिंग करके फिर मुझे इसमें दोबारा से चेन लगानी होगी। जब भी हमारे चेन वाले या साइड हुक वाले ब्लाउज होते हैं ना तो ये दिक्कत हो जाती है, लेकिन इसकी फिटिंग अच्छी आती है। तो इसको कंप्लीट करके मैं इसको जब पहनूंगी ना किसी दिन, तब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वैसे मैं वन शोल्डर या कट स्लीव वाले जो होते हैं ना वो वेयर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर इसमें एक साइड का जो आप स्टेप देख रहे हो इस साइड में मैं पल्लू ले लेती हूँ। बहुत मन था मेरा, कभी मैंने इस टाइप के ब्लाउज जो है नहीं वेयर किए हैं, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं ना कुछ ब्लाउज किसी मॉडल के लिए या फिर हमारे पास सजेशन आते हैं या फिर आप लोग कमेंट करते हैं, तो ये ब्लाउज़ मैंने उसी टाइप से बनाया था। बहुत आसान तरीके से इसको मैंने बनाया था और पता नहीं इसका वीडियो मैंने शेयर किया या नहीं किया,
और आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो मेरा ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स। और क्या करूँ, शेड्यूल मेरा थोड़ा सा बिजी हो रहा है। इस टाइम पे ये मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, रात के 11 बज रहे हैं, दिन में इतना सारा काम हो रहा है तो दिन में बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से मुझे रात में ये वीडियो एडिट करना पड़ रहा है। ये मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगा। और आपको वीडियो मेरा कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग सिलाई करते हैं और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से कमेंट करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप लोग अगर काम करते हैं ना तो देखिए आप कभी निराश मत होना, क्योंकि लोग होते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव बातें बोलते हैं, हताश करने वाली बातें बोलते हैं। कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ऐसी बातें होती हैं ना जो हमारी हिम्मत को तोड़ देती हैं, तो कभी भी आप अपनी हिम्मत को मत तोड़ना, क्योंकि मैं भी इसी स्टेज को फेस कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से फेस कर रही हूँ, फिर भी अपने काम को आराम से ईमानदारी से कर रही हूँ। स्ट्रेस भी होता है कभी कभी, बहुत बुरा भी लगता है कभी कभी, मेरा काम भी नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन जैसे ही हमें रियलाइज़ होता है ना कि हाँ ये चीज़ हमारे डीमोटिवेट करने के लिए की जा रही है या फिर हमारा जो मनोबल है उसको गिराने के लिए की जा रही है, तो आप फिर से एक बार सोचिए और फिर से उसी ऊर्जा के साथ में, फिर से उसी लगन के साथ में अपने काम में लग जाइए। जब आप इस तरह से अपने काम में लग जाएंगे ना तो फिर आप हमेशा अपने काम को आगे लेके जाएंगे, कभी उन बातों को माइंड मत कीजिए और ऐसे ही अपने काम को आगे करते रहिए, बढ़ते रहिए। एक ना एक दिन देखिए सारी चीज़ें हमारे दिमाग पे ना हावी होना बंद हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ को उधेड़ ही रही थी, साथ ही साथ एक ये आंटी हैं ये लेके आई सूट जिसका मुझे मेजरमेंट नोट करना है। देखिए तो मैं दिन में चली गई थी लेकिन मैं इसको जो इसका नाप है ना नहीं लिख पाई थी, तो अभी मैं इसका नाप जो है लिख ले रही हूँ। और फुल लेंथ का ये कुर्ता है, फुल स्लीव के साथ में इसको बनाना है और साथ ही साथ इसको पाइपिंग से, मतलब ब्लैक कलर की पाइपिंग से इसको फिनिश करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी मेजरमेंट को नोट कर ले रही हूँ। और जब भी आपके पास कपड़े सिलने आए ना किसी भी कस्टमर के, तो आप पहले से कपड़ा चेक कीजिएगा, मेजरमेंट लेने के बाद में कपड़े को चेक कीजिए और उसके बाद ही आप कपड़े को लीजिए। कभी कभी क्या होता है देखिए, हम कस्टमर के कपड़े ले लेते हैं और जिस तरह से वो लंबाई बताते हैं या फिर स्लीव बताते हैं उतने कपड़े में वो नहीं निकल पाती है। तो यहाँ पर मैंने इनको बोला था आंटी को कि आप 2.5 मीटर कपड़ा लेके आइए, क्योंकि ये लगभग 42 इंच की फुल लेंथ में है, 42 से 43 प्लस है और इतना जो है 2 मीटर कपड़े में लेंथ नहीं निकल पाती है। तो अगर कपड़े की लेंथ ज़्यादा है और स्लीव भी उसकी फुल है तो वहाँ पर आपको कपड़े को चेक कर लेना होगा, 2 मीटर में नहीं बनेगा, 2.25 से 2.5 मीटर कपड़ा ही लगेगा। और इन बातों को आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये गलतियाँ मेरे से हो चुकी हैं। मैं कभी कभी कपड़ा नहीं नापती थी और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कपड़ा तो हमने नाप लिया है लेकिन उसका जो प्रिंट होता है उसके हिसाब से अगर हम कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह बनाते हैं या कुछ करते हैं ना तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो डिज़ाइन के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से आपको कपड़े को चेक कर लेना होगा। और साथ ही साथ देखिए जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें कपड़ा कितना लगने वाला है। कुछ डिज़ाइन ऐसी होती हैं जो हमारी कम कपड़े में बन जाती हैं, जोड़गांट करके हम उसको बना सकते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप सिलाई कर रहे हो और आपके साथ में भी फेस की होंगी, आप लोगों ने भी फेस की होंगी, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी अगर आपने ये चीज़ें फेस की हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब आप उन बातों से सीख के किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। सिर्फ कपड़ा ले लेना ही काफ़ी नहीं होता है, उस कपड़े के साथ साथ कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और वो रिक्वायरमेंट उस कपड़े में पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये चीज़ मैटर करती है। जिससे कि कस्टमर कपड़ा लेने आए ना तो फिर उसको ये कंप्लेन ना रहे कि आपने पहले नहीं बताया, तो आपको ये चीज़ें पहले ही शेयर करनी चाहिए। और मेरे साथ ये गलतियाँ 2 से 3 बार हो चुकी हैं, इसलिए मैं इन गलतियों को अब नहीं करती हूँ और मैं पहले से ही कस्टमर को बता देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए जब हम भी कोई भी कपड़ा लेते हैं जल्दबाजी में होते हैं तो हम नहीं उस चीज़ को नोट करते हैं, या फिर ऐसा होता है कस्टमर हमारा भरोसे वाला होता है फिर भी हम इन चीज़ों को नोट नहीं करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ठीक है बाद में बता देंगे। लेकिन ऐसी गलतियाँ जो है ना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो भी चीज़ है आपको पहले ही शेयर कर देनी है। अगर आप पहले शेयर कर दोगे ना तो कस्टमर आपको नहीं कह पाएंगे कि देखिए आपने हमें ये चीज़ पहले नहीं बताई है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और
सिलाई का काम देखने में जितना आसान लगता है उतना ही ज़्यादा टेंशन वाला है, लेकिन बस छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और कस्टमर की बातों को ध्यान में रख के अगर हम कपड़ा लेते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो हमें ये सारी चीज़ों को फेस करना नहीं पड़ेगा। एकदम से कोई चीज़ नहीं आती है, एकदम से हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं, जब गलतियाँ होती हैं तभी उन चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पर मैंने सूट की जो है नाप ले ली है, ब्लाउज़ में से लेस वगैरह निकाल दी है और इसकी जो चेन थी उसको निकाल दी है और इसमें से अब मुझे इसकी फिटिंग लगानी है। तो कपड़ा जब भी हम ब्लाउज़ को कटिंग करते हैं ना, ये फिर सूट को कटिंग करते हैं, उसमें 2 से 3 इंची इतना मार्जिन होना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर कभी लूज़ या टाइट करना हो तो हम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ब्लाउज़ को मुझे 3 इंची लूज़ करना है, तो दोनों साइड से मैं लूज़ कर ले रही हूँ और उसके बाद में साइड की जो चेन है उसको लगा के मैं इसको कम्प्लीट कर दूँगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा दिन का शेड्यूल मेरा ऐसा ही निकल गया है, तो पहर से अभी इस टाइम पे मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम हो जाते हैं, वीडियो भी मेरा आने में लेट हो रहा है और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो आपके साथ में रेगुलर लेके आऊँ। और आज का वीडियो दशहरे वाले दिन का है लेकिन फिर भी लेट हो गया है, चलिए कोई नहीं, जैसा भी है मैंने आपके साथ में शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखेंगे, वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उससे पहले आप देख लीजिए कि हाँ ये मेरा ब्लाउज़ जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।